तैयारी कर रहा हूँ सर। मैंने MTS, दिल्ली पुलिस और CGL तीनों एग्ज़ाम दिए हैं सर। मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, मैं CGL क्वालिफाई कर सकता हूँ। बट सर जी, इस करप्शन के माहौल में सर मुझे DP भी देना पड़ रहा है, और DP में नंबर आने के बावजूद भी मेरे नंबर कम कर दिए जाते हैं सर। मेरे नहीं, कईयों के नंबर कम कर दिए जाते हैं। एक मिनट लिसन टू मी सर। लास्ट टाइम जो MTS की कट ऑफ 83 पॉइंट समथिंग गई थी सर, इस बार 90% गई है सर। इसका रीज़न क्या है? एक फैमिली से 8-8 जने लगते हैं सर, एक गांव से 40 जने लगते हैं, जबकि सर 120 वाले का नंबर नहीं आता। डिस्क्रिप्शन का पेपर चेक नहीं होता सर जी, फिर भी रिजल्ट आ जाता है सर। इन गरीबों को कौन देखेगा सर जी? और हमारे माँ बाप मजदूर है सर, और बाकी जितने यहाँ पे भी है सबके माँ बाप मजदूरी करते हैं, लेकिन सर जी इनके साथ कोई भी न्याय नहीं किया जाता सर। ये SSC है, इतना बड़ा सिलेक्शन है सर जी, ये भी तैयारी करके आए हैं, ये भी बच्चों की फीलिंग नहीं समझते सर जी। बच्चे कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए सर। DP का 2013 का रिकॉर्ड था सर जी, 500 भर्तियाँ थी केवल सर जी। कट ऑफ OBC की 68 गई थी, और सर जी जबकि अब की 7200 सीटें थी, OBC की 76 गई सर जी। लास्ट टाइम पे इन्होंने क्या किया है सर जी, लास्ट टाइम पे आंसर की दिया है, जिसके 76 थे कट ऑफ के लिए उसके नंबर कम कर दिए गए हैं, और सर जिसके 68 थे उनके 6-6 लाख रुपये दे के नंबर बढ़ा दिए गए हैं सर जी। पूरा स्कैम चल रहा है SSC दिल्ली पुलिस, SSC MTS, SSC CGL सर जी। तो पेपर बच्चा पढ़ेगा और एग्ज़ाम देगा तो क्या उसका नंबर आ पाएगा? सर पूरी SSC पूरा एग्ज़ाम पारदर्शिता के साथ कराए, और सभी बच्चों के साथ न्याय हुए, हर पेपर दिल्ली पुलिस, MTS और CGL के लिए CBI की जांच बैठे, और एक एक करप्ट इंसान के लिए, एक एक करप्ट स्टूडेंट के लिए, और जिसने पैसे दिए हैं, जो इसके खिलाफ क्या नाम है दलाल हैं, सबके ऊपर CBI कार्रवाई हो। तब तक हम यहाँ नहीं लेंगे, सबके ऊपर CBI जांच होनी चाहिए, चाहे दिल्ली पुलिस हो या MTS हो या CGL सर जी, पूरी जांच होनी चाहिए। अगर पूरी जांच होगी तो सारा स्कैम पकड़ा जाएगा सर जी। सर जब तक यहाँ पर सबको न्याय नहीं मिलेगा, हटेंगे नहीं, चाहे सर जी हमारे यहाँ जान चली जाए, हमारी स्टूडेंट चली जाए। स्टूडेंटों के अंदर बहुत तगड़ा रोष है, और इनका यही मानना है कि अगर हमारी CBI जांच नहीं होती है तो हम यही अपनी आत्महत्या कर लेंगे, जान दे देंगे। और ये बच्चे जो स्टूडेंट ये 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो इनका क्या होगा? एक तरफ सरकार कहती है कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और दूसरी तरफ यही लोग, यही यहाँ जो स्टूडेंट हैं, लड़कियां हैं, रोड पर ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं, और इनका कोई सुनने वाला नहीं है। और भी साथ में एक मिनट, और सर दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था सर, कॉन्स्टेबल का सर, कंप्यूटर ऑनलाइन होता है, मतलब पेपर देने जाओ कंप्यूटर हैंग खा जाएगा, 10 लाख रुपए दो आए के पेपर में ऑटोमेटिक ही क्वेश्चन देगा, आपको कुछ भी नहीं लिखना, ऑटोमेटिक देता है सर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो गए हैं, मैं जहाँ एग्जाम देने गया सर, वहाँ पे बगल में एक कॉपी तक नहीं जा सकती, पेन तक भी, मगर सर उसके अंदर एक करंट अफेयर्स की 4 कॉपी पहुँचाई गई है सर। CCTV कैमरा चेक करोगे उसके अंदर आपको दिखेगा, मैं सबूत में पढ़ाऊँ। 7 दिसंबर का पेपर है मॉर्निंग बैच का, भीड़ मत कीजिए सर। एक मिनट सर, मैं यहाँ पर CGL का कैंडिडेट हूँ सर, मेरे को पूरी जीके मेरे मुंह पे याद है सर जी, लेकिन फिर भी सर मेरा सिलेक्शन नहीं होता सर। जिसके पास काबिलियत नहीं है सर, वो जाके सिलेक्टेड होता है, और जो काबिलियत वाला व्यक्ति है वो रह जाता है।